बिना बीज का फल है ये, छील के खाया जाता है, अकेला कोई क्यों खाए जब दर्जन के भाव में आता है, बताइए। ओ हेलो, आंसर तो दीजिए। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलाता हूं। ग्रीसियाना। तो ये ग्रीसियाना एक लोकल शॉप में केले के चिप्स बनाते हैं। क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे सस्ता केला और तेल इस्तेमाल करके एक कढ़ाई में वो चिप्स बनाते हैं। एंड वो तेल वो 2 महीने तक रीयूज करते हैं। केले को ग्लव्स के बिना काटता है और काटने के बाद वो अपने ही गीली और गंदी लुंगी पर ही साफ करते हैं। कभी कभी इसकी पसीना भी इसमें गिरता है, लेकिन उसको भी वो एक नमकीन पंच के नाम से बेचते हैं। शख्स लोग अभी बेहतर लाइफस्टाइल में अपग्रेड हो रहा है, लेकिन मार्केट में क्या अभी भी वही घिसे पिटे आलू और मैदे के चिप्स, नहीं तो उससे भी खतरनाक ये ग्रीसियाना का चिप्स। अभी बहुत हो गया यार, अभी वक्त आ चुका है ये सब बदलने के लिए। लेकिन उसके पहले हम सबको चाहिए क्या? ग्रीसियाना से छुटकारा। And it is time for us to embrace quality. Introducing Beyond Snack Kerala Banana Chips. And who better than a Malayali to tell you about banana chips? Shucks, my name is Manas Madhu and I'm from Kerala. I am 36 years old. So, take your time. पानी लेंगे आप? पानी लेंगे? नहीं नहीं नहीं, that's fine. बचपन से ही मैं थोड़ा आउटगोइंग टाइप था, लेकिन मेरा पिताजी मुझे वो नौकरी 9 to 5 का जॉब चाहते थे। मैंने भी उनकी बात मानी, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं था। एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, उस समय मैंने एक बात देखा, एक फार्मलैंड के सामने बहुत सारी बनाना वेस्ट हो रही थी। पूरा खेती का कितना परसेंटेज वेस्ट हो रहा है? 40% के ऊपर ही वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोई आता नहीं, फिर क्या करेंगे? तुरंत मुझे लगा कि बनाना चिप्स हमारे शहर का इमोशन है, इसे लेके कुछ क्यों नहीं करते? मानस अपना जॉब छोड़ के जब कुछ स्टार्टअप करना चाहता था तो बहुत नर्वस भी था कि क्या ये वर्कआउट होगा। उस समय मेरे बीवी एक अच्छा न्यूज दिया कि मैं एक बाप बनने वाले हूँ। मैं बहुत खुश हुआ उस समय। जब उसे पता चला कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने यही टेंशन एक पॉजिटिव नोट में लिया। मुझे लगा कि मैं सही पाथ में हूँ, क्योंकि अभी भगवान एक सिग्नल भी दे रहे थे। लेकिन ये हमारा सपना है पूरी दुनिया में ये लेके जाने का, तो वो कैसे पूरी करूँ? इसलिए मैं शार्क टैंक इंडिया में आया हूँ, ताकि मैं अपना ड्रीम को फुलफिल कर सकूँ। शार्क, हमारा चिप्स हेल्दी, टेस्टी, साफ सुथरी और सेम थिकनेस की 4 फ्लेवर्स में भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आज ट्रेंडिंग हो रहा है। व्हाई डोंट यू ट्राई सम? यस, क्यों? समझ नहीं आता, आपको देखें, इन्हें देखें, ये भी बड़े एनिमेटेड वैसे बात कर रहे हैं। शख्स, इन जस्ट 1.5 इयर्स हमने 140 मेट्रिक टन ऑफ बनाना चिप्स बना के बेच चुके हैं। हमारा सपना ये है कि हम पूरे इंडिया के रिटेल में एक पैकेट पोटैटो चिप्स के सामने एक केरला बनाना चिप्स का पैकेट रखा हो। और वो सपने को पूरा करने के लिए आज मैं अपनी कंपनी के 2.5% के बदले 50 लाख मांगने आया हूँ। Who wants to come on board with us to make Beyond Snack Kerala Banana Chips India's favorite go-to snack? Sorry, I was too busy eating. क्या था आपका ask? 2.5% 50 lakh. थैंक यू मानस। पहले तो मैं तारीफ करूंगा, आपका जो इनिशियल स्टाइल था एंट्री का वो बहुत ही जबरदस्त था। थैंक यू। टेस्ट जो है इसका
अच्छा टेस्ट है, पर ये टेस्ट और लोग नहीं बना सकते। आपका कोई स्पेशल प्रोसेस है? नो नो, सी इट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज जस्ट अ स्टैंडर्डाइजेशन। अ गुड फूड साइंटिस्ट कैन इजीली फिगर आउट व्हाट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन व्हेन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर। आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया है? कर लिया है। तो लेज वाले आपके पास आए हैं कि हमें दे दो ये चिप्स? अभी तक वो आएगा। ये और कोई नहीं करता, आप भी बना रहे हैं केला चिप्स? नहीं, बहुत लोग बनाते हैं केला चिप्स। या अभी 99% जो द प्लेयर्स इन द मार्केट आर एक्चुअली लोकल प्लेयर्स। लोकली हो? लोकली है। ब्रांडेड नेशनल प्लेयर कोई नहीं है? सी हल्दीराम्स हैज बनाना चिप्स, बालाजी आल्सो हैज बनाना चिप्स, बट दे आर नॉट बनाना चिप्स स्पेसिफिक। और यू नो जो भी बनाते हैं, कभी भुजिया है, कभी सम मिक्सचर है, सभी समथिंग है। और लेकिन दूसरा वे लेस के जैसा, पेप्सिको जैसा। अभी यह कैटेगरी भी सिनोनिम होता है ब्रांड के नाम से। If you walking in the shop, in your mind you are thinking potato chips, but you are asking Lay's. I want that. मानस, हम लोग दिल्ली में खाते हैं बनाना चिप्स, तो कभी पैकेट में कम मिलता है, और वो नॉर्मल एक पैकेट बनाते हैं, व्हाइट कलर का पॉलिथीन होता है, उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची सी डाल देते हैं कि ये बनाना चिप्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। खाने में तो सेम है जैसे नॉर्मल चिप्स होते हैं, तो इसमें कोई क्या फर्क है? टेस्ट ओके, मैं बताऊँ। तो पहली वाला ये है कि आपने जो जो चिप्स ले रहे हैं ना, तो वो चिप्स पहले आपका किधर जा रहे हैं? ये पहला वाला, ये वाला टीथ में जा रहा है या अंदर वाले टीथ में जा रहा है? ये कैसे पता लगाते हैं भाई? हाँ ओके, आई विल टेल यू। सो इफ यू टेक इट एंड इफ यू आर बाइटिंग इट विद द फ्रंट टीथ, व्हिच मींस इट इज इजी टू, इट्स अ माउथ फील इज बेटर, अदरवाइज इट विल गो डायरेक्टली टू योर मोल्ड। व्हाट हैपेंड इज दैट इट इज कड़क, सो इट इज हार्ड एक्चुअली। सो यू आर नॉट गोइंग टू बाइट विद योर फ्रंट टीथ इफ इट इज हार्ड, राइट? सो इफ यू लुक एट इट, एक सेकंड एक्सपेरिमेंट कर लो। ये बात सही है, बात सही है। आज तक हम गलत खाते थे। नहीं, आपका चिप्स नॉर्मल जो मैंने बनाना चिप्स खाए हैं उससे थिनर है। थिनर, एक्जेक्टली। सो आई वाज गोइंग टू एक्जेक्टली। वेरी यूनिक फ्लेवर। सो वी आर एक्चुअली मेकिंग ए प्रिसिशन स्लाइसिंग ओवर हियर, द थिन स्लाइसर। आप इसके बारे में मुझे बहुत पैशनेट लगते हो। आप इसके बारे में सोचते हो, दिन रात सोचते हो कि ये चिप्स बेटर कैसे बनाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने अब तक कितने पैसे डाल चुके हैं ये बिजनेस? सो वी हैव स्पेंट क्लोज टू मोर देन 70 लाख रुपीस इनिशियली। अपना खुद का पैसा है? हां, खुद का। और माय फादर आल्सो इन्वॉल्वड विद दिस थिंग, सो ही आल्सो इन। और मंथली सेल्स क्या है आपका? 20.6 लाख रुपीस। 20.6। ये कब, कौन से मंथ का है? लास्ट मंथ, द वेरी लास्ट मंथ। और ये 21 लाख में सेल्स मिक्स क्या है ऑफ दीस फोर ऑप्शंस? ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल स्टाइल हमारा, सॉल्टेड वन 50% एक्चुअली, या एंड देन द 30% विल बी कमिंग फ्रॉम पेरी पेरी, and 15% will be coming from salt and pepper and cream and onion. So Manas, मैं इसकी pricing देख रहा था, ये 60 रुपए की pricing है, एक वो 20-30 रुपए का pricing हो है, वहाँ पे बहुत fast बिकते हैं, और जैसे ही आप 30 रुपए के ऊपर जाते हैं, तो एक वो niche product बन जाता है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप इसकी pricing कम करके इसको mass product बना सकते हैं, ये थोड़ा niche product ही रहेगा? So I'll tell you the plan. हम 30 रुपए का packet भी अभी launch कर रहे हैं, अभी focus करेंगे A class category shop में। आप जो बोल रहे हैं हेसिटेशन होता है 60 रुपी के वजह से, वो थोड़ा कम आ जाएगा 30 रुपी के वजह से, सो दैट पीपल विल ट्राई मोर विद द 30 रुपी पैक, एंड अभी पसंद आ गया तो वापस आके ये 60 रुपी पैकेट भी खरीद लिया। बट 30 रुपीज से आप इसको 10 रुपीज पे ला सकते हैं क्या? वी कैन डू इट इन द फ्यूचर, अभी उसके लिए थोड़ा वॉल्यूम। सी अभी हम अच्छे ग्रोस मार्जिन एंजॉय कर रहे हैं। कितना, क्या क्या ग्रोस मार्जिन? ऑनलाइन में हम 55% एंजॉय कर रहे हैं, और रिटेल में हमने 48% एंजॉय कर रहे हैं। वाओ, 100% कंपनी आपका है? या सी इन माइन एंड माय फादर्स नेम एक्चुअली। एंड जो आपने 70 लाख रुपए लगाए हैं, वो भी आपके खुद के ही पैसे लगे हैं इसमें? या माइन एंड माय फादर्स एक्चुअली, यू आर आस्किंग द मनी दैट वी पुट इन, राइट? यस। आपने जो 50 लाख का नंबर निकाला कि 50 लाख रुपए आपको रेज करने हैं, उसको आप यूज कहां करना चाहते हैं? वुड यू बी एबल टू डू ब्रांडिंग विद दिस मनी, और इट ओनली बी फॉर द ट्रेड चैनल? Right now, see, we are not focusing on the branding, making the availability part. So this money we will be utilizing to spread across Mumbai. और उसके साथ हम ये same thing we will replicate in पूरा महाराष्ट्र में और गुजरात में, दिल्ली में. The reason, हमारा पूरा online sales है, हमको पता चल गया कि पूरा 70% of the total sale is actually happening from the North Indian part, starting from the Goa, Mumbai part onwards. So that was a very shocking revelation. मेरे को लग रहा है कि मैं शायद आपको offer करूँ. आप ये बात बताएं मुझे, profit कितना है आपका? 60 लाख हमने किया है पिछले पूरा साल फाइनेंशियल ईयर में, और वी हैड अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख रुपीस, 6 नॉट 6 एक्चुअली 6 प्लस 10% समझ लीजिए। आप ये बात बताएं मुझे, क्या आप अपना ग्रॉस मार्जिन 65-70% ले जा सकते हैं, और कैसे ले जा सकते हैं ये मुझे समझाएं। या सो फार अभी हमारे प्रोडक्ट में देख लीजिए,
हमने कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया ये प्रोडक्शन के लिए. अभी क्या कर रहे हैं, ये बनाना चिप्स हम यूज कर रहे हैं, नेंद्रन बना रहे हैं. अभी इसका यील्ड है 28%, तो यील्ड 35 तक इंक्रीज कर सकते हैं. उसका मतलब है ज्यादा प्रॉफिट, व्हिच मींस द स्पेंडिंग इज स्टिल फॉर 100 kg, बट व्हाट वी आर गेटिंग, समझ गए, तो ग्रॉस मार्जिन कहां तक ले जा सकते हो? Easily we can go it up to 75 or even up to 80. We can do some sort of आप कर सकते हो 75%. We can do that. चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. ठीक. गुड थिंग इज कि आपने काफी बारीकी से मार्केट को समझा हुआ, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प चाहिए. तो आई कैन ऑफर यू 50 lakhs फॉर 20% ऑफ योर कंपनी. अनुपम, इफ यू वांट, आई एम ओके टू पार्टनर ऑन दैट डील. हाँ हाँ, 50-50. So we can both come in. एक शाक के प्राइस के लिए आपको दो शाक मिल रहे. Together, I think we can build a great company. और आप इसका जवाब हमको अभी दे दीजिए. Yeah, yeah. So before giving you an answer for that, let me also give you one more information. So we have closed a round of 1.4 crore rupees. Hey, एक सेकंड. अभी इन्होंने पूछा आपसे पहले कि आपने रेज किया है. Yeah, आपने बोला नहीं. रेज किया नहीं. How many invest किया? आपने बोला और किसका पैसा नहीं लगा हुआ है? No. Actually, it was an. तो पूरा पैसा मैंने खुद invest किया है, वो सब कुछ. I had asked you very categorically that do you own 100% of the company? Yeah, okay. Sorry, my mistake. Specifically पूछा था यार. Manus, just to be clear. Yeah. Till date, how much money have you raised till date? So we have raised 1.4 crore rupees till date. No, 1.4 crores from external investor. Yeah, correct. You also put in money initially? Correct, yeah. Which was 70 lakhs. Yeah, yeah. And after formalizing the company, we have put in some 8 lakh rupees. Total dilution, kitna? Total dilution we have 15% so far actually. 15. The remaining 85 is with us. हम हमारा offer revise करते हैं. ठीक. क्योंकि आपने एक round किया है recently. Yeah, yeah. The least we will go down to 10% for 50 lakhs. For 50 lakh. हाँ. जिसमें आपको दो sharks का जो भी benefit है वो मिलेगा. मानस, अश्नीर भाई कुछ बोलना चाहते हैं आपको. यार आपने अश्नीर भाई बोल के पहले ही हमको छोटा बना दिया, अब तो उसका ही ऑफर लेगा वो. तो मानस दो ही भाई हैं, मानस भाई सलमान. मेरे को लगता है कि आपके बिजनेस में काफी दम है, एंड जो अभी आपने बाद में चीज बताई वो मैं उसको एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, बिकॉज यू मोर कम्फर्टेबल इन योर लोकल लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश दैन हिंदी. तो मेरे को लगता है कि आप इसको खेल सकते हैं, आप बड़ा ब्रांड बना सकते हैं. तो आपका जो ओरिजिनल ऑफर है 50 lakhs for 2.5%, अमन और मैं उस स्प्लिट करेंगे उसको, तो 25 lakhs ईच फॉर द 2.5%. या ओ यार, उससे क्या कंपीट करेंगे. 4 times better offer than yours. We'll do it. नहीं नहीं, वेरी गुड, ले लो यार. Fantastic. जो आपने मांगा वो मिल गया आपको यार. वेल डन. We have a deal. Well done, you have a deal. But you are not out. आप बाहर नहीं निकले अभी तक. प्यार मोहब्बत से बनाओ बड़ी चिप्स की कंपनी, हमें भी खिलाओ, दुनिया को भी खिलाओ. थैंक यू सो मच. अब आप अकेला नहीं बेच सकते, हम भी बेच सकते हैं. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट. लुक फॉरवर्ड टू ईटिंग अ लॉट ऑफ बनाना चिप्स. थैंक यू. आप तो कहां से आ गए, एंड यू जस्ट स्वूप्ड इट राइट फ्रॉम अंडर हिज नोज. अरे यार, आप लोग थोड़ा तो ऊपर कर लिया होता है. दिस इज द बेस्ट थिंग यू आस्क्ड फॉर. 2.5%. या आई गॉट इट फॉर 50 लाख. यू गॉट इट. Let's see it. Show it. किसी को कुछ कहना है घर पे लोगों को? Thank you so much for all the other people. नमस्ते शख्स, मैं हूँ 20 साल की दुहूर वर्षिता. नमस्ते, मेरा नाम विमल कुमार, मैं 25 साल के हूँ. हम हैदराबाद से हैं. वी आर द फाउंडर्स ऑफ विवा लाइफ इनोवेशंस. ये कून, ये दर्द, यही था मेरे पूरा 20 साल, एंड स्टिल इट इज. I do this 4 to 5 times a day. मैं type 1 diabetic हूँ, यानी मैं diabetes के साथ ही जन्मी हूँ. मैं जन्म से अगले दिन मैं कोमा में गई थी. डॉक्टर ने कहा मैं बच नहीं पाऊंगी.
कोई पेशेंट डॉक्टर के पास खुशी से नहीं आता है, तकलीफ में ही आता है। इसको तो रोज़ इंजेक्शन लेना पड़ता था और रोज़ उसको टेस्ट करना पड़ता था, तो ये काफ़ी डिप्रेस हो जाती थी, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ नहीं है जैसे कि आम खास जैसे लोगों की होती जो विदाउट इंसुलिन रहते हैं। जब मैंने खुद से इंसुलिन लेना शुरू किया तो मेरे माता पिता से देखा नहीं गया, वो कमरे से बाहर जाके रोने लगते। एक दिन मैं अपने माता पिता के पास गई और उनसे कहा कि मैं इस समस्या का समाधान जरूर निकालूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। मुझे पता था कि सिर्फ रिसर्च से प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने एक ऐसे इंजीनियर को ढूंढना शुरू किया जिस पर मैं भरोसा कर सकूंगी। मुझे भी वो आइडिया बहुत इनोवेटिव और नॉवल लगा और मुझे भी एक सपना था कि लोगों के लिए कुछ मदद करने वाली डिवाइस बनाऊं। अभी हमारा प्रोडक्ट प्री क्लिनिकल एवेल्युएशन स्टेज में है। इसको मार्केट में उपलब्ध करने के लिए हमें भी मेंटर कनेक्ट, एक्सटर्नल कनेक्ट, मार्केट एक्सेस और फंडिंग की जरूरत चाहिए। इसलिए हम शार्क टैंक इंडिया मंच पर आए हैं और शार्क को इम्प्रेस करें और हमें फंडिंग मिले। हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इजी लाइफ। इजी लाइफ एक नो प्रिक, नो ब्लड और नो पेन और एक बार इन्वेस्टमेंट डिवाइस है। आपका ग्लूकोज लेवल्स को चेक करते हैं। शार्क, हमारा मांग है 56 लाख 7.5% इक्विटी के लिए। तो शार्क, कौन हमारे साथ मिलकर मुझे जैसे 7 करोड़ इंडियन डायबिटिक इंडिविजुअल्स का लाइफ पेन फ्री बनना चाहेगा विद इजी लाइफ? वंडरफुल, आपने बहुत ही इमोशनल तरीके से आपका पॉइंट प्रेजेंट किया और जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपने बहुत ही अच्छा कॉज अडॉप्ट किया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपकी क्या उम्र थी जब आपने ये प्रॉमिस किया अपने फादर को? I'm just 10. आप सिर्फ 10 साल की थी? Yes. Wow. No father can see their child pricking their fingers 4 to 5 times a day and they pricking it, testing it, everything. From my 4th standard, I started pricking myself. One day, I placed it in a wrong way and it went so bad. I have gone into coma one more time. Like, I have gone 6 times into coma till now. 6 times? 6 times. God. 56 days is the longest period and 2 days is the very shortest period, which has been in 2020. Most of the doctors told that I may die. ये आपके साथ फिर हो सकता है? Yes, sir. It can happen. आप बड़ी बहादुर हैं, I have to say. I literally promised my dad that I'll get passed in all things. AIEEE, IIT, JEE, NEET. Wow. And I did passed in everything. You but cleared AIIT, JEE, मैं सही सुन रहा हूँ? Yes. पर आप IIT नहीं गए? I went and came back. Wow. I came back in 11 days. ये तो पहला है जो मैंने आज तक सुना है. I'm speechless. आपको डर नहीं लगता है? No, sir. Never. अरे डर इसके बाद क्या डर? I never think and I never look back for it. आपने कमजोरी को एक opportunity में बदल दिया है, yes, तो वही दिख रहा है आज. Because it's not only my future, it's gonna be billions of population's future. That's the reason I'm trying and pushing it as hard as I can do. आपसे मिलके मैं बड़ा छोटा महसूस कर रहा हूँ. विमल, ये जो कैटेगरी है इसमें काफी डिवाइसेस ऑलरेडी हैं, पर पहले प्रोडक्ट आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप. तो हमारा टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड है. तो आपका नॉन प्रिक टेक्नोलॉजी है? या आप डेमो करवा करके दिखा सकते हैं? श्योर सर. हम वहां आ जाएं? श्योर सर. श्योर सर, डेफिनेटली. हमारे शार्क्स हर चीज को परखने के लिए हमेशा रहते हैं तैयार और इस बार ग्लूकोमीटर डिवाइस की एक्यूरेसी पर ही हमारे टेक गुरु शार्क पीयूष बंसल ने. मेरा जो शुगर आया वो 363 आया. यस सर. तो ये मेरा शुगर 363 तो डाउटफुल होगा मैं होगा. Currently, we are only at 90% accuracy because we started testing on ourselves and we just took 250 samples because it's just been a 1 month since we started testing on it. Accuracy isme bahut zaruri hai. Matlab bahut zaruri hai, nahi to kisi ke liye ye risk ho sakta hai life ka. Wo research stage pe hai abhi. 90 se 99 jana hai.
वो 9% का गेम बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत तगड़ा है वो 9% में गेम चेंज हो सकता है। यस सर, 97% इज एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू गोल्डन स्टैंडर्ड्स। इट विल सर, द मोर नंबर ऑफ सैंपल्स वी कंपेयर। यस सर, अगर ये हो गया तो आप 100 हो, 0 नहीं हुआ तो आप 0। आपने कंपनी बना ली? Yes, sir. We कितना, कितना परसेंटेज है आप दोनों? 50-50. और कोई फंडिंग नहीं है? We have 7.5 lakhs of funding, but it's non-equity. It was given by Government of India, Nidhi Prayas Grant. Got it. मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, basically from now till date of launch, best case scenario क्या है? After the preclinical evaluation, when we move to the clinical evaluation, we'll be definitely doing more than 5,000 or 6,000 sample set. So correct. That we can improvise our accuracy and present it in front of CDSCO. Isme bahut hi lamba aur expensive process hai aur iska probability of success bhi utna high nahi hota hai usually in the device industry. To main ye kehna chahungi ki main aapko zarur madad karungi in terms of grants, in helping you get expertise, tie up with more hospitals for trials. But मैं invest इस time पे नहीं करना चाहूँगी। Thank you so much, sir. अगर pharma होती तो हम आ जाते, लेकिन थोड़ा risk है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो that's why I will not be able to contribute, नहीं कर पाऊँगा कुछ, तो I'm also sorry, I will be out. Thank you much. इन चीजों में जो मेरा experience रहा है, वो accuracy tough है, मतलब this is a big game. और जो 90% आप कह रहे हैं, देखिए मैंने भी बहुत 90% का है, ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है कि अभी ये कितना 90% है। मैं फ्लाई ले सकता हूँ, मतलब कि ये, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ रिस्क लेना पड़ता है, 1/3 इक्विटी लेके मैं रिस्क ले सकता हूँ। मैं भी इनके साथ जुड़ सकता हूँ। अश्नीर का क्या व्यू है? दुनिया का दस्तूर यही है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप मेरे को बोलते ही नहीं कि मेरी इतनी परसेंट एक्यूरेसी है, अगर आप बोलते मैं तो ये सिर्फ बना रहा हूँ और देखेंगे क्या होगा, शायद मैं इन्वेस्ट कर देता, बट जो देखा और उसमें इनएक्यूरेसी आई, उससे मैं थोड़ा पुट ऑफ हो गया, तो मैं इससे आउट हूँ। आपका पर्पस बहुत सही है, इनका ऑफर काफ़ी अच्छा है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इस पे पैसा लगा रहे हैं, तो आपके ऊपर डिसीजन है और उनकी और आपके बीच की बात है। और मैं ये भी बता दूँ, अगर आपकी एक्यूरेसी बाहर जाके 50% भी होगी ना, मैं इन हूँ, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, क्योंकि मेरे को पता है कि ये प्रॉब्लम में टाइम लगेगा। मेरी मॉम जो है प्री डायबिटिक है, मैं हर मॉर्निंग कोशिश करता हूँ कि वो अपनी, यू कैन रिलेट टू द प्रॉब्लम, हाँ हाँ, पर वो करती नहीं यार, उनको सुई नहीं चुबानी। हेलो संतोष, वर्षिता हियर, कैन यू हियर मी? ओके लिसन, वी आर हैविंग टू शार्क्स ऑन बोर्ड। मैं थोड़ा एक्साइटेड था इसको लेके, मैं थोड़ा पुट ऑफ हो गया एक्यूरेसी से। वो मेरे को भी वही झटका लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा यार अभी कहीं तो तुक्का लगाना पड़ेगा। लगा लो, सही बात है। सो वी वुड लाइक टू हैव अ काउंटर ऑफर। We would like to have a 36 lakhs at 15% equity and remaining as debt, and we will repay back in 3 years as a bullet payment. इसमें debt का repayment थोड़ा सा tricky है। अभी मेरा ये advice रहेगा, deal complicate हो जाएगा, because अभी आप non-revenue generating हैं, debt repay कर नहीं पाएंगे। हम sharks हैं, अगर हमारा भी 33% है, हम मेहनत करेंगे आपके साथ। और कल को कोई कंपनी आएगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे ना, उस टाइम हमको अकोमोडेट करना होगा, तो हम इक्विटी कम करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, अभी के लिए हमारा यही ऑफर है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। We will all work together. We will definitely take. Thank you so much. Congratulations, guys. Amazing day. Thank you so much. मेरे को लगता है मैं ही अपने पैसे को लेके थोड़ा thoughtful हो रहा हूँ, बाकी सब तो भाई अलग ही गेम चल रही है कुछ यहाँ पे। दिल से भी decisions ले रहे हैं लोग। हाँ, मेरा जो philosophy है ना,
every dollar I invest, I think I can make more money in Lenskart. So of far. Course. But if I'm investing outside, it should solve a bigger problem. Otherwise, मेरे को 10-20% रिटर्न से कुछ करना नहीं है. मैं पीयूष बंसल हूं. मैं लेंसकार्ट का को-फाउंडर हूं. मेरा सिंपल मंत्र है, मेक मीनिंग एंड मनी विल फॉलो. मतलब आप पैसे के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. आप दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं, तो बाकी ये सब तो बाय प्रोडक्ट है. पीयूष इज अ मैन ऑफ फीलिंग्स. ही इज अ वेरी वेरी हम्बल गाय. वो जो करते हैं 100% डेडिकेशन के साथ करते हैं. बहुत मुश्किल होता है उनको काम से बाहर निकालना. इंडिया इज ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट आधी इंडिया को चश्मा चाहिए और 75% लोग उसमें से चश्मा नहीं पहनते, तो ये समझ में आने लगा कि हाँ बहुत प्रॉब्लम है और कोई इसको सॉल्व नहीं कर रहा है. और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जिसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, मजा उसी में है आता है मुझे. मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे लेंसकार्ट के जरिए से ये बदलाव लाने का मौका मिल रहा है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि लोगों को लगे कि अगर ये नहीं होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती. मैं अभी भी लेंसकार्ट को सक्सेसफुल नहीं मानता. पैसा रेज कर लेना और कुछ लोगों को चश्मा पहना देना मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं है. ये कोई भी कर सकता है. कुछ ऐसा करना जिसको लोग मेरे बाद भी याद रखें, मैं उसको सक्सेस मानूंगा. शार्क टैंक इंडिया के बारे में एक्साइटेड हूँ, इस चीज से हूँ कि मुझे यहाँ पे ऐसे एंटरप्रेनर्स को मिलने को मिलेगा जो लोगों की लाइफ जो है आगे 10 साल में बेहतर करेंगे. मैं इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अनंत राज तोमर. मैं हूँ शिवराज तोमर. मैं हूँ दीपेन बाराई. और मैं हूँ कार्तिक लोहार. हम फाउंडर्स है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के जिसका नाम है मोशन. हमारा विजन है नेचर और टेक्नोलॉजी को अलाइन करना और उनकी विशेषताओं का इस्तेमाल करके ऐसे वाहनों का आविष्कार करना. प्रेजेंटिंग मोशन ब्रीज, विश्व की पहली अडेप्टिव स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल. हमारी पैटेंटेड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी होने के कारण ब्रीज एक ही बटन के दबाने पर राइडर और पिलियन के पोस्चर और परफॉर्मेंस जरूरत और कंफर्ट के हिसाब से बदलने के लिए सक्षम है. उसी के साथ ब्रीज परफॉर्मेंस में हमें दे सकती है 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 6 सेकंड में, 250 प्लस किलोमीटर की पर चार्ज रेंज और 1-3 घंटे का चार्जिंग टाइम डिपेंडिंग ऑन द आउटलेट. किस्सा सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता. ब्रीज में हमें मिलती है एक यूटिलिटी स्पेस जिसमें आप अपना हेलमेट, ईवी चार्जिंग केबल और फोन रख सकते हैं. इससे हेलमेट संभालने की समस्या का भी निवारण हो सकता है. ब्रीज करंटली प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज में है और ब्रीज को प्रोटोटाइप से मार्केट तक ले जाने के लिए हमें चाहिए आपकी 3% हिस्सेदारी अगेंस्ट 30 लाख रुपए. और अब हम आपको देना चाहेंगे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के पॉस्चर चेंज होता किस तरीके से. ये हो रहा है अब स्पोर्ट्स से स्ट्रीट मोड, जहां पे आप देखेंगे हैंडल अब ऊपर जा रहा है. जो स्पोर्ट्स में एक एरोडायनेमिक पॉस्चर होता है उसकी जगह हैंडल ऊपर आएगा, उस वजह से अपराइट पॉस्चर स्ट्रीट में मिल पाएगा. उसके बाद सीट लोअर होंगी, फुटरेस्ट अंदर जाके स्ट्रीट फुटरेस्ट बाहर आ जाएगा. तो आयरन मैन का सूट बन जाएगा क्या इसके बाद? मे बी समडे. मोटरसाइकिल की दो बड़ी चीजें होती है, एक अर्गोनॉमिक्स और दूसरा होता है परफॉर्मेंस. सो इस तरीके से हम लोग अर्गोनॉमिक्स तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग परफॉर्मेंस सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं. जैसे कि स्पोर्ट्स में हमें चाहिए होता है हायर स्पीड, हायर एक्सेलरेशन. उसी साथ जैसे अगर ये स्ट्रीट मोड में चला गया है तो उसे चाहिए होगा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. जैसे गाड़ी में मोड होते हैं, एग्जैक्टली इकोनॉमी, डायनेमिक. यस, बेसिकली चार मोड स्टैंडर्ड में प्रोवाइड करते हैं. दैट इज वन इज स्पोर्ट्स, देन इट इज कम्यूट, इट इज क्रूजर एंड अ स्क्रैम्बलर व्हिच इज फॉर ऑफ रोड. स्क्रैम्बलर वो डर्ट बाइक हो गई. यस. चलो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट. थैंक यू. उसको चला सकते हैं क्या? यस सर, चला सकते हैं. Now you can ride it. Now you can open the throttle. आवाज क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक बाइक. चेन फंसी हुई है. इतनी आवाज नहीं, वो थोड़ा सा बजीनेस आता है.
इसका प्रोटोटाइप। ये एक हाई स्पेक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। okay, ग्रेट। तो आप दोनों भाई हैं लग रहा है? हम दोनों ब्रदर्स हैं। और ये दोनों दोस्त हैं? ये मेरे एक कॉलेज फ्रेंड है और ये हमारे मेंटर इन्वेस्टर है। अच्छा जी, तो ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया। यस। दीपेन भाई, आपको ऐसा क्या लगा कि आपने इन्वेस्ट कर दिया इनमें? मेरा एक 10 साल पुराना कंपनी है जिसमें हम मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस का बिजनेस है हमारा। अच्छा। तो पैन इंडिया हमारा एक्सपेंशन है, पूरे इंडिया में 180 आउटलेट है। तो वहाँ से मैं पिच इवेंट में एज ए ज्यूरी था, मैंने देखा कि इनके आइडिया में दम है, तो मैंने बोला ये बच्चों को हमको हेल्प करना चाहिए और इकोसिस्टम में भी हेल्प करना चाहिए, तो हम वहाँ से उसको अडॉप्ट किया है। कितना पैसा लगाया आपने? अभी तक हमने 30-35 लाख रुपीस लगाए। और कितना इक्विटी लिया आपने? 27% इक्विटी। हमारे को भी ऐसी डील दिला दो सर। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, यू नो, बजाज है, हीरो, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, तो आपने चारों एक में कंबाइन करने का क्यों सोचा जबकि हर एक एकदम नीश कस्टमर सेगमेंट है? मैम, एक कारण आता है हेल्थ के हिसाब से और दूसरा है यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आप में से किसी ने भी टू व्हीलर चलाए होंगे ज्यादा, तो आपको पता चला होगा कि एक लोअर बैक पेन फील होता है। हम रोजमर्रा में कभी हमको परफॉर्मेंस चाहिए होता है, कभी हमें कम्यूट ज्यादा करना होता है, कभी हम लोग लंबा भी चला लेते हैं, और एक ही व्हीकल को हम लोग ये सब में यूज करते हैं, इस वजह से फटीग और बढ़ता जाता है। हम लोग को तुरंत ये चीज़ इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में ये लिम्ब डिसलोकेशन का कारण बन सकता है, नमनेस का कारण बन सकता है, थकावट का कारण बन सकता है, और एक थका हुआ राइडर खतरनाक एक्सीडेंट्स का शिकार ज्यादा आसानी से भी बन सकता है। हमने उसके ऊपर और रिसर्च किया कि हमें मोनोटोनस पॉस्चर को ब्रेक करने की जरूरत है। तो एक ही मोटरसाइकिल आपको मल्टीपल एप्लीकेशन में कम्फर्ट भी दे रहा है, उसी के साथ एक हेलमेट संभालने का भी जो प्रॉब्लम रहता था वो भी हम लोग यूटिलिटी के साथ वो चीज को सॉल्व कर पाए थे। क्योंकि यार दो टाइप की चीजें होती है, या तो तुम बाइक बना लो या गिमिक्स और पोस्चर पे फोकस करो। आपको पहले बाइक बनानी चाहिए, ये बाकी हेलमेट रखने की चीजें वगैरह, ये तो बचपन में भी वो ऊपर करते थे बाइक, उसमें रख देते थे, यार इतनी बड़ी बात नहीं है। इट्स अ कूल बाइक, मुझे लगता है कूल बाइक है जिसमें अलग अलग मोड्स हैं और मेड इन इंडिया बाइक है। अज्यूम कर रहा हूँ अफोर्डेबल बनाएंगे आप, तो मार्केट बन सकती है, बट कंपेटिटिव मार्केट है। प्राइस क्या पड़ेगी बाइक की? सो हम लोग 3 वेरिएंट के साथ अर्ली नेक्स्ट ईयर लॉन्च करना चाहते हैं, फ्रॉम 1.5 टू 3.5 लाख रुपीस। देखो, बाइक्स के 2-3 सेगमेंट होते हैं, मार्केट होते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है बाइक्स? इकोनॉमी वाला, इकोनॉमी लो एंड का। यस, है ना? सबसे लो एंड, सस्ती बाइक, टिकाऊ बाइक। उसके बाद है मिड सेगमेंट, वहाँ पे थोड़ा अपवर्डली मोबाइल हो तो आपने एक वैसी बाइक खरीद ली थोड़े ज्यादा पैसा देके। फिर है हाई सेगमेंट, वो शौकीना बाइक है, वहाँ पे लोग साउंड भी चाहते हैं बाइक में, करेक्ट, ब्रांड भी चाहते हैं। आप वो सेगमेंट में आ पड़े। जब आपने 1.5 लाख से ज्यादा प्राइसिंग कर ली तो वहाँ पर आप कैसे कम्पीट करोगे? वो तो छोटी सी मार्केट है और वो भी ऑलरेडी 2-3 प्लेयर ने कैप्चर कर चुके हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपका प्रोपोजिशन। और वो स्टिकी कस्टमर है, राइट अनुपम? हाँ, जो लॉयल्टी, वो अपर सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो वो बहुत स्टिकी है, लाइक यू नो रॉयल एनफील्ड के सिर्फ वही यूज करेंगे, केटीएम इंडिया के सिर्फ वही यूज करेंगे, तो वो आप कैसे मतलब बेसिकली? हमारा एडवांटेज यहाँ आता है दीपेन बराई से, जो कि इन्होंने कहा कि इनके 180 फ्रेंचाइजीज है ऑल ओवर इंडिया, तो हम पहले यही दिखाना चाहते हैं कि हम उनको एक्सपीरियंस कर रहा है, हम उनको कैसे लेके आए हैं। तो हम बेसिकली जो मोटो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं, हम उनके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे जिसके थ्रू लोग हर एक टच पॉइंट्स पे एक्सपीरियंस करने आ सकते हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ उन लोग क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं ये मोटरसाइकिल में और जो अभी उन लोग ओन कर रहे हैं उसमें। तो उससे हमारा जो मेन USP जो हमारा हमें झलकना चाहते हैं वो उसमें दिखेगा, और वो अगर उनमें सही में पसंद आएगा तो उसमें स्विच होने का कोशिश जरूर करेंगे। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ अश्नीर भाई से, उन्होंने चलाया था, प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या व्यू है? यार प्रोडक्ट मेरे को अभी थोड़ा सा क्रूड लगा, बैठने भी थोड़ा स्टिफ ज्यादा है। ये हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी फर्स्ट वर्जन मॉडल है, अभी हम लोग करंटली फाइनल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। और वो साउंड क्या था जो आ रहा था? आवाज, सो इट वाज द चेंज साउंड एक्चुअली। तो वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, जैसे चेंज की आवाज है, और ब्रेक भी जो थी वो थोड़ी ऐसे लग रहा था कि सॉफ्ट है। करेक्ट। चलाने में कैसी थी? चलाने में तो जस्ट नॉर्मल इलेक्ट्रिक कोई भी व्हीकल आप चलाते हो। मेरा डिसीजन बन गया है, मैं बता दूं। आप बोल दो। मैं मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपके पिच में वो 4-in-1 जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ही मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो उसके वजह से आई एम आउट। डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्रैक करी हुई है, लेकिन बाकी चीजें अभी बहुत सारी चीजें क्रैक करना जरूरी है, फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो आउट। मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये इंडस्ट्री को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये 3 लड़के इतना जोश और इतनी हिम्मत
कि आप ईवी में घुस गए हो एक बाइक लेके, तो उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू। जहाँ तक मेरी समझ है, गाड़ी की फीचर्स की लाइफ साइकिल ऐसे चलती है, पहले जो लग्जरी कार्स होती है जिनकी ब्रांड एस्टैब्लिश होती है वो एक फीचर डालते हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइस कॉन्शियस कस्टमर नहीं है। आपने क्या किया है, शुरू में ही बिना ब्रांड के बिना मार्केट के आपने इसको हाई स्पेक बाइक बना दी, आपकी रिकग्निशन तो है नहीं, तो कस्टमर बेस है नहीं, तो आपका कॉस्ट वैसे ही हाई हो जाएगा, तो आप मार्केट कैसे बनाएंगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। माय एडवाइस वुड बी, आप अपना दिमाग इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एक्सपीरियंस है आपको, आप ऐसे मार्ग पे लगाएं जहां पर मार्केट बड़ी हो। आप हाई एंड मार्केट में घुसेंगे तो वहां पे ब्लड बाथ हो जाएगा, आप नहीं बच पाओगे। और इसलिए मैं बाहर हूं, आई विश यू बेस्ट। मैं भी इससे बाहर हूँ, मुझे लगता है कि अभी आपको इस पे काम करते रहना चाहिए। आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ये, और करेजियस भी है, पर अभी थोड़ा सा अर्ली स्टेज है। तो कौन बचा, सिर्फ मैं ही बचाऊं? आप ही बचे। तो यार इसमें मेरे को एक बात बताओ कि बाइक के सिवाय क्या टेक्नोलॉजी है जो तुमने पेटेंट की है? फ्रेम का स्ट्रक्चर और एक्चुएटर्स हमने पेटेंट कर रखे हैं। एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर्स वो चीज है जो ये हैंडल सीट और फुटरेस्ट को मूव करवा रहे हैं। तो वो चीज हम लोग ने खुद इनहाउस डिजाइन किया है। उसी के साथ साथ कुछ बैटरी के असेंबली डिजाइन हमने पेटेंट करवा रखे हैं। जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है उसके लिए हम लोग ने डिजाइन पेटेंट्स लिए। और मेरे को एक बात बताओ कि इसको आपको कहीं से टेस्ट कराना पड़ेगा ना रोडवर्थीनेस के लिए? ARAI और ICAT सर्टिफिकेशन होता है, टाइप अप्रूवल जिसे बोलते हैं। तो वो हो चुका है इसका? नहीं, वो अब होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी हम लोग फाइनल प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं। और इसका प्रोडक्शन कहाँ करेंगे आप? अभी के लिए हम लोग बड़ौदा में ही सोच रहे हैं। तो वहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे आप? यस। पर 30 लाख रुपए में फैक्ट्री कहाँ से लेंगे? 30 लाख रुपए में नहीं सर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक इन्वेस्टर है, तो इनके पैसे से हम लोग फाइनल प्रोटोटाइप को कंप्लीट करेंगे और आपके पैसे से हम लोग इसको सर्टिफिकेशन करवा देंगे। मेरे को एक बात बता कि तुम्हारे इन्वेस्टर हैं, बाकी जो भी लड़के आए वो खुद आए, आप इन्वेस्टर को साथ लेके क्यों आए पिच करने के लिए? सर ये सिर्फ हमारा इन्वेस्टर नहीं है, ये हमारे साथ एक इम्पैक्टिव रोल भी निभा रहे हैं। तो इन्वेस्टर पैसे के सिवाय क्या रोल निभा रहे हैं आप? पैसे के सिवाय क्या है कि जो डे इन डे आउट इनमें, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा जो कंपनी है उसमें ऑन बोर्ड वी हैव अ वेटरन, तो उनका 30-40 का इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है और उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। डे इन डे आउट हम उनको इस तरह से नर्चरिंग करेंगे। तो घूम फिर के बात ये है कि 30 लाख रुपए लेके आपने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया और एक और 30 लाख रुपए लेके आप सर्टिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे। सर्टिफिकेशन हो जाएगा सर उसमें। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट के लिए भूल जाओ कि ठीक है सर्टिफिकेशन हो गई, नहीं बिक रहा माल। यस। इसमें से ऐसा क्या चीज है जिसको आप कंपोनेंट बना के बेच सकते हो? तो सर इसके अंदर सबसे पहले हम लोग हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यानी पावर ट्रेन कंपोनेंट्स, क्योंकि ये सब हमारा प्रोप्राइटरी हो रहा है, तो हम लोग पावर ट्रेन कंपोनेंट्स भी शेयर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। फिर हम लोग हमारे एक्चुएटर्स भी शेयर कर सकते हैं, हम लोग हमारा जो CPU है वो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। और मैं अगर बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर की नहीं सुननी है तो फिर क्या करोगे? ना इनको मार्केट पता है, ना मेरे को मार्केट पता है, ना तुमको मार्केट पता है, ये मार्केट इवॉल्व होएगी। यस। तो मार्केट की सुनोगे या तुम इन्वेस्टर की सुनोगे ये बताओ? मार्केट की सुनेंगे सर। तो अगर मार्केट बोल रही है कि एक्चुएटर हटा दो तो हटा दे, और मार्केट बोल रही है सिर्फ एक्चुएटर बेचो बाइक हटा दो तो भी हम लोग वी हैव टू सर्वाइव समवे। अगर हम लोग सिर्फ एक्चुएटर बेचेंगे तो हमारा भी इवेंचुअली ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट पे हम लोग व्हीकल से बेचना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक ऑफर दे दूं? यस सर। इसमें मेरे को इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि इंडिया में कोई इंजीनियर ना प्रैक्टिकल काम करते हैं, और सबको कंसल्टिंग बैंकिंग की नौकरी चाहिए इंजीनियर बनने के बाद, जो कि बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। करेक्ट सर। मैं 30 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, आपने इसके लिए 3% मांगा था, मेरे को 6% चाहिए। इट्स अ ग्रेट ऑफर। उसका रीजन यही है, अभी इसकी रोडवर्थीनेस भी प्रूवन नहीं है। आपको लग रहा है पास हो जाएगा, मेरे को नहीं पता। करेक्ट सर। मैं भी होप करूंगा पास ही हो जाए। करेक्ट सर। अगर फेल हो जाता है तो फिर हमारे को बिल्कुल ही रिविजिट करना पड़ेगा कि है क्या। यस सर। दूसरी सिर्फ एक कंडीशन ये है, मेरे को इनकी बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि इन्होंने भी 30 लाख रुपए आप पे लगाए। कॉलेज के बच्चे भी कोई 30 लाख रुपए नहीं लगाता। करेक्ट सर। करेक्ट। मैं भी आऊंगा, मैं भी लगा रहा हूँ। जब आप फोन करोगे ना कि मेरे को ये हेल्प चाहिए, तब हम आपको बता देंगे। राइट सर। बट मैं आपके साथ ना पिच में जाऊंगा कभी, ना मेरे को आपके प्रोडक्ट बेचने का है, सब कुछ आपको करना है। Sure, और एंड ऑफ द डे अपने आपको एज अ प्रमोटर डेवलप करना पड़ेगा कि मैं फाउंडर हूँ और आप इन्वेस्टर हैं। Right. तो ये मेरा लास्ट ऑफर है और एक ही ऑफर है मतलब अभी तो फिलहाल। सर क्या हम एक मिनट ले सकते हैं? हाँ हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। End game is selling the components and selling the company technology to a bigger player. That is obvious. If that is your end game, go for it. नहीं यार कुछ नहीं बताओ था, कब कौन बना दे? हाँ। Okay, Sharks, तो हमने discuss कर लिया and we are ready to take the deal. Wow, congratulations. Deal. Thank you very much. मेरे को पता क्या लगता है क्या हुआ यार? Yes, sir.
इन्होंने फीडबैक, बाइक अच्छी थी, इन्होंने गलत फीडबैक दे दिया हमें। डील मारने के लिए। तो फिर अभी अभी चला के देखिए। गुड जॉब यार, गुड जॉब। थैंक यू। रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। मैं आपको ऑफर इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि बस करो। मैं सोच सकता था, 2.5 मिनट और लगते मेरे को। नजरें आपसे हटती नहीं। I love your कुर्ता। We matching। एक तो आप दोनों इतने सुंदर हैं, इतने एलिगेंट हैं। आपने जो पहना है मुझे बहुत पसंद है। मैं इनकी मीम बनाए, आपकी लुंगी, आपकी शर्ट, आपकी साड़ी, आपकी वो, आपकी परछाई। Thank you but no thank you। Yes, they are alive. देखिए किसी तरह इस पे ब्रांड ब्रांड लगा सकते हैं। कैमरा हंसने दो, अच्छा जोक था, हंसने दो। अरे तू ऑफर देना यार। ठीक है, बेकार की बातें कर रहा है। तो ये 5 साल में आपका बिजनेस हुआ है 8 लाख रुपए महीने का? 8,75,000, 8,75,000, 8,75,000 मंथली। अच्छा अच्छा, 9 लाख बोल देता हूँ यार। That is monthly। गलती से बोल दिया भाई, माफ कर दियो, 8,75। मुझे सब बसंती कहते हैं, मैं बहुत बोलती हूँ। Television थोड़ा love it, थोड़ा भी awesome। That is not okay. Not okay. No, not okay. But हंसी मजाक अपनी जगह होती है। No, that's not okay. अरे यार, not okay, guys. अरे माँ मेरी, ठीक है, समझ गए।